हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बच्चों? अब हम अगला चैप्टर लेके चल रहे हैं। जैसे कि पिछला चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पढ़ाया था, अब हम आपको सोच रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस सिखा दें। क्या सिखा दें? डायमेंशनल एनालिसिस सिखा देते हैं। बहुत मदद मिलती है इससे आपको आगे के चैप्टर्स में। मतलब ये तो आप ही कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका पूरा हर पूरे सिलेबस में ही हर जगह अप्लाई होगा। आप डायमेंशन सबके निकालेंगे, बहुत से जितने भी फॉर्मूले होते हैं, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सबके डायमेंशन आप निकालते हो। अच्छा है, मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। तो जैसे ही पूरा एनसीईआरटी असल में, जैसे पूरा आपका कहा था कि असल अरोरा बुक जो है एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज, वो सारी चीजें आपको लगवा के, कंपटीशन के एक्सरसाइज लगवा के आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो जो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस ठीक। चैप्टर का क्या नाम है? डायमेंशनल एनालिसिस नाम है, या ये भी बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिन बच्चों ने डायमेंशन अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये वीडियो। ठीक, तो सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है? जैसे आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बोलते हो ना। 1 डायमेंशन जैसे आप बोलते हो 1D, क्या लिखते हो? जैसे एक्स लिखते हो। 2D तो हम जैसे बोल सकते हैं x² बोल सकते हैं। 3D क्या बोल सकते हैं? x³। कुछ बदल रहा है क्या? कुछ बदल रहा है क्या? पावर्स शायद, डेफिनेशन लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आए। ठीक, देखिए डेफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर। हाँ, कुछ तो बदल रहा था। ठीक, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी इरेज्ड टू प्रेजेंट या रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक, डायमेंशन क्या है? देखिए डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अगर आप लोग बनाते हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती किससे? एक बेस होता है उसका, एक बेसिक क्वांटिटी होती है। जैसे कि आप बात करें, आपकी बेसिक क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, पहला नंबर अगर हम बात करते हैं लेंथ की, है कि नहीं? दूसरा नंबर हम बात करते हैं कि मास की। ये बेसिक क्वांटिटी होती है जिनके बेस पे पूरी फिजिक्स, या पूरी फिजिक्स जैसे भी आप कह सकते हो कि फॉर्मूले जो बनते हैं आपके, जो फिजिकल क्वांटिटीज बनती है, इन्हीं के बेस पे बनती है। जैसे आपका करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। पांचवी चीज अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर हो गया। 6 अगर नंबर लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ठीक, 7 अगर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। 7 होती है ना? ठीक, तो डायमेंशन जो होता है बच्चों ना, एक जो बेसिक क्वांटिटी होती है उनकी जो पावर होती है ना, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो बेसिक क्वांटिटी होगी, और उस बेसिक क्वांटिटी की कुछ ना कुछ क्या होगी? पावर। जैसे ये बेसिक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, उनकी पावर है कि नहीं है? इनकी ये जो पावर होती है ना, यही इनका डायमेंशन होता है। ठीक, अब देखिए डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये ब्रैकेट होता है
उसके अंदर हम बेसिक क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे एम हो गया, एल हो गया, टी हो गया, ए हो गया, टेम्परेचर हो गया, के हो गया। तो लेंथ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एल से होता है, मास का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे, एम से, टाइम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे टी से, करंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए से, टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन कहीं थीटा कहीं के भी लिख सकते हैं आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे तो इसको सी डी से लिखते हैं, कैंडेला एक तरीके से होती है, और अमाउंट ऑफ सस्टेंस को हम मोल से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, मोल। इन्हीं ये सात फंडामेंटल जो क्वांटिटी है ना, इन्हीं पे डिपेंडेंट होगा पूरा हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, शुरू किया जाए, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों, तो सबसे बेसिक अगर हम बात करते हैं, सबसे बेसिक एक फंडामेंटल क्वांटिटी शुरुआत करते हैं, जैसे हमने लिया वेलोसिटी। क्या लिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, लेंथ, और टाइम मतलब क्या होता है, टी। ठीक, तो हम अगर बात करें टी ऊपर गया तो एल टी माइनस वन हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। दूसरी क्वांटिटी बात करते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड बात करते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, एल टी माइनस वन, और नीचे कितना लिखा है, टी। तो अगर इसको ऊपर करेंगे तो कितना होगा, एल टी माइनस टू। तीसरा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का रिप्रेजेंटेशन एम से होगा, एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन एल टी माइनस टू, तो कितना हो गया, एम एल टी माइनस टू। चौथी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अगर बात करते हैं, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी माइनस टू से, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पांचवी क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए, कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो हम फिजिकल क्वांटिटी का, जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन लेंगे। तो मास का रिप्रेजेंटेशन एम से हो गया, वेलोसिटी को बोलते हैं एल टी माइनस वन, लगा क्या है, स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बोल सकते हैं। सिक्स्थ अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, एम जी एच, मास का रिप्रेजेंटेशन एम से। देखिए बच्चों, ये जो जी है ना, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकला हुआ है, कितना हो गया, एल टी माइनस टू, और एच हाइट, हाइट मतलब होता है लेंथ, तो ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये आ गया, देखिए कुछ आपको मैंने कुछ फॉर्मूले के डायमेंशन आपको क्या कर दिए, लिखा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कुछ और भी डायमेंशंस देखते हैं, सब लोग छह देख लिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको टाइप वन कर लीजिएगा, है कि नहीं है, टाइप वन की कैटेगरी में डाल दीजिएगा। सेवन अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक, अपने से एक टाइप बना दीजिए, इसको टाइप वन लिख दीजिए, और इसमें लिख दीजिए कि हाँ भाई बेसिक फॉर्मूले ऐसे करके कुछ भी लिख लीजिए। प्रेशर, प्रेशर को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, देखो कुछ भी बोलो लिखो सब सही लिखो, प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। एरिया मतलब, एरिया देखिए किसी का भी निकालिए, आप हमेशा देखेंगे कि दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक, तो इसको एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो गया। नेक्स्ट एट अगर हम बात करते हैं पावर की, पावर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का डायमेंशन कितना है, टी है, तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आ गया कि नहीं आ गया। नाइन्थ अगर बात करते हैं टॉर्क की, टाउ से दिखाते हैं, टाउ फोर्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। फोर्स कितना है, एम एल टी माइनस टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब इसका भी अगर आप डायमेंशनल देखें तो पूरा वर्क एनर्जी बराबर, मगर ये वर्क एनर्जी नहीं है, इसको आप वर्क एनर्जी मत कह दीजिए कि हाँ सर ये वर्क एनर्जी, ऐसा नहीं। ठीक, दसवां इम्पल्स, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम, जैसे आप इसको एम वी से बता सकते हो,
ठीक है, मास का डायमेंशन एम होता है, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, तो आप क्या बोल सकते हो, एम एल टी माइनस वन हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, जैसे 11 नंबर बात करते हैं, स्ट्रेस हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक, ये प्रेशर नहीं होता, मतलब एक कंडीशन होती है कि प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स होगा, तो ये कैसा भी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। ठीक, तो इसका डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अभी आप निकाल चुके फोर्स अपॉन एरिया, डायमेंशन सेम होते हैं उसके। 12th अगर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है, रिलेटिव चेंज होता है, तो किसी भी चीज का रिलेटिव चेंज, जैसे आप बात करते हो लेंथ का रिलेटिव चेंज, तो लेंथ में जो चेंजेस आए, जैसे ये लेंथ में चेंजेस आए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो आप चेंज अपॉन ओरिजिनल भी कह सकते हो। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, मान लीजिए 60 नंबर पाते हैं, किस में पाते हैं, 100 में, ओरिजिनल में पाते हैं, तो वही चीज है कि ये रिलेटिव चेंज है, मतलब ये डेल्टा एल का चेंज है, लंबाई में थोड़ा सा चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो ऊपर नीचे दोनों लेंथ है, तो इनके डायमेंशन हो जाएंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। 13 अगर हम बात करते हैं, जैसे सरफेस टेंशन, आप बस दिमाग में सोचते जाओ, देखो डायमेंशन है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स कितना है एम एल टी माइनस टू, और ये क्या है लेंथ है, एल से एल कट गया, कितना आ जाएगा एम टी माइनस टू हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, 14 नंबर अगर हम बात करते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनेमिक्स में जाते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर होता है, मास एम हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई एल टी माइनस वन हो गई, एल टी माइनस वन, और आर मतलब होता है लेंथ। ठीक, तो कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा। 15 नंबर बात करते हैं एंगल, ठीक है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो आर्क भी देखिए लेंथ ही होती है, रेडियस भी लेंथ ही होता है, तो कितना हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। 16 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते हैं, होता है वी बाई आर होता है, वी अगर हम बात करें तो कितना एल टी माइनस वन, और आर का मतलब होता है एल, एल से एल कट गया, तो कितना आ जाएगा टी माइनस वन हो जाएगा, बोलिए है कि नहीं है। 17 नंबर बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, किसकी बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा से रिप्रेजेंट होता है, ये होता है ए बाई आर होता है, ए कितना है एल टी माइनस टू है, आर कितना है एल है, एल से एल कट गया, कितना आएगा टी माइनस टू हो जाएगा, बोलिए है कि नहीं। तो ये बच्चों डायमेंशन आप देखेंगे, जो भी फॉर्मूले हमने लिखे उनके डायमेंशंस लिख लिए हैं, ठीक है, इसको टाइप वन की कैटेगरी में रख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलिए, अब हम कुछ डायमेंशन निकालेंगे कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट के, ठीक है, किसके, फिजिकल कॉन्स्टेंट, इसको टाइप टू चेक कर दो, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। जैसे आप अगर पहला नंबर बात करें, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, यहां जो जी है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक, तो जी का डायमेंशन निकालने के लिए जी का फॉर्मूला बना लीजिए, तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एम वन इंटू एम टू, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा एम एल टी माइनस टू, आर का डायमेंशन एल होगा, लगा क्या है स्क्वायर, नीचे क्या है मास, और क्या है मास, ठीक, एक एम से एम कट गया, तो कितना आ जाएगा एम माइनस वन, एम ऊपर गया एम माइनस वन, एल स्क्वायर एल कितना हो जाएगा एल क्यूब, और ये टी माइनस टू, तो ये देखिए जी का डायमेंशन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, दूसरा अगर बात करते हैं डेंसिटी हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक, मास क्या बोल सकते हैं एम, वॉल्यूम क्या हो गया एल क्यूब हो गया, तो कितना आ जाएगा एम एल माइनस थ्री टी की पावर जीरो। थर्ड अगर बात करते हैं जैसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूला होता है, या अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे देखोगे, जैसे ये ईटा है इसका डायमेंशन निकालना, तो ईटा का फॉर्मूला बना दीजिए, तो एफ अपॉन 6 पाई आर वी बनेगा कि नहीं, फोर्स कितना है एम एल टी माइनस टू होता है,
सिक्स पाई एक कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगा एल, और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन। ठीक, तो हम एल से एल कट गया तो कितना आएगा एम एल माइनस वन, और टी माइनस वन से भी कट गया तो कितना आएगा टी माइनस वन होगा, होगा कि नहीं? आ गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बात करते हैं, एक आपने सुना होगा जैसे गैस कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं है? जैसे आप फोर्थ नंबर बात कर दीजिए, जैसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ गैस, ये गैस कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन निकालना है। आर को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी अपॉन एन टी। पी क्या है, हमारा प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन देखिए अभी आप लोगों ने निकाला है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, निकाला है कि नहीं निकाला है? ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं एम एल माइनस वन। बस बच्चे कहते सर सब इसको रटना पड़ेगा। रटना क्या है बच्चा, इतने क्वेश्चन लगा लो ना अपने आप चीजें आ जाएंगी। वॉल्यूम एल क्यूब, एन को मोल बोलते हैं, तो मोल का डायमेंशन तो एम एल मोल ही होता है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर को के से दिखा सकते हैं। तो देखिए एम हो गया, एक एल से एक एल कट जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू लिखा ही रहेगा, के ऊपर गया माइनस वन, और मोल इनवर्स, ये आ गया तुम्हारा आर का डायमेंशन। ठीक है, किसका डायमेंशन, आर का हो गया। पांचवा, प्लैंक कांस्टेंट, जैसे बोला है प्लैंक कांस्टेंट, आप ये ट्वेल्थ की उसमें देखोगे फॉर्मूला होता है एच न्यू, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम एफ से दिखा देते हैं, न्यू कहोगे तो कैसा होता है। ठीक है, तो एच का डायमेंशन हो गया एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी होता है बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स होता है, वन बाई टी होता है, कैंसिल आउट हुआ, तो एच का डायमेंशन आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये देखिए कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट है, उनके डायमेंशन मैंने आपको सिखा दिए, है कि नहीं है? कोई दिक्कत, और भी देखना है, और भी, जैसे आप बोल सकते हो स्पेसिफिक हीट, बोल सकते हो स्पेसिफिक हीट। ठीक, इसका फॉर्मूला क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ऐसा होता है, क्यू का फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट होता है, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से एम कट गया, देख लीजिए कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, आ गया कि नहीं आ गया? बहुत दिक्कत नहीं है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों जितने भी डायमेंशन अभी आपने देखे ना, ये सारे इलेवेंथ के थे, ट्वेल्थ में के भी अपने एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी उससे। जैसे हम एक शुरुआती कर देते हैं, जैसे हम ट्वेल्थ की बात करते हैं, तो ट्वेल्थ में अगर हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम बात करें तो सबसे, अभी फिजिकल कांस्टेंट नहीं, अब कुछ इलेक्ट आपको हम दिखा देते हैं ट्वेल्थ का भी डायमेंशन, जिससे आपको आसानी हो जाए, अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका, क्योंकि ट्वेल्थ में तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज ये है कि कंपटीशन कंपटीशन के क्वेश्चन में ना ट्वेल्थ के डायमेंशन ज्यादा पूछते हैं आपको, है, क्योंकि ट्वेल्थ में आप डायमेंशन नहीं पढ़ते हो, तो उनके लिए आसानी हो जाता है कि आप गलत करोगे तो उनके लिए छाटना आसान हो जाता है आपको कंपटीशन में इन फ्यूचर, है कि नहीं है? और या ऐसे फॉर्मूले जिनको आप देखे ना हो, जैसे कुछ फॉर्मूले और मैं आपको फिजिकल कांस्टेंट जैसे बोल दूं, स्टेफन कांस्टेंट हो गया, वीन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दे स्टेफन कांस्टेंट, ट्वेल्थ अभी रुक जाए बता देते हैं, जैसे कुछ दिमाग में आया ना तो उसको भी लिखवा ही देते हैं। स्टेफन कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, स्टेफन कांस्टेंट टेम्परेचर की पावर फोर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये स्टेफन कांस्टेंट। तो कितना हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर फोर होता है, ये होता है। तो अब बताइए बच्चों एनर्जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। अधिकतर ये बच्चे फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो क्या इसका डायमेंशन निकालेंगे, है कि नहीं है? तो एग्जामिनर वही पूछता है जो आपको नहीं आता है, केल्विन की पावर फोर कर दो। ठीक, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम हो गया, टी माइनस थ्री हो जाएगा, और के की पावर माइनस फोर हो जाएगा, देख लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, टाइम का टी होगा, और टेम्परेचर का के, तो आ गया स्टीफन कांस्टेंट। जैसे होता है वीन कांस्टेंट,
ये आपको हीट ट्रांसफर में मिलता है। क्या होता है? वीन कांस्टेंट, ठीक, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यहाँ पे वीन कांस्टेंट होता है, बी से दिखाते हैं, तो बी इज इक्वल टू कितना, वेवलेंथ इनटू टाइम, वेवलेंथ है तो लेंथ को एल से दिखाएंगे, और टेम्परेचर होता है टेम्परेचर को के से दिखाएंगे, ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एल के माइनस वन लिख सकते हैं, आ गया डायमेंशन, है कि नहीं है। चलो, बहुत से शब्द होते हैं बच्चों, जैसे हम लैटेंट हीट एक शब्द सुनते हैं, लैटेंट हीट, ठीक है। देखिए कुछ रखा नहीं, आपको अगर मेन फॉर्मूला अगर रखा हो ना तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे। एल जैसे लैटेंट हीट होता है, क्यू बाई एम हो जाएगा, ठीक है। क्यू का डायमेंशन अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एम से एम कट गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। ये जो होता है लैटेंट हीट होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट है जिनको मैंने आपको निकाल दिए, ठीक बच्चों। अब हम क्वेश्चन कुछ लेते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, जैसे हम एसएल के कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एसएल अरोरा बुक के, देखिए क्या जैसे दिया है क्वेश्चन में, नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशनल फॉर्मूला, बस बच्चों कह रही रहती सर ये डैम एसएल हमसे लगती नहीं, बच्चों बहुत आसानी से लगती है यार, कैसे कहते हो नहीं लगती है, लगेगी, मगर ये है कि आपको मतलब एक कंसिस्टेंसी आपकी बनानी पड़ेगी तभी हो सकती है, नहीं तो नहीं लगेगी आपसे। जैसे पहला फॉर्मूला दिया है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तुरंत कह सकते हो सर ये इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एम एल टी माइनस टू इंटू एल, सर ये फोर्स है, ये क्या है लेंथ है, तो फोर्स और लेंथ मतलब फोर्स और लेंथ मल्टीप्लाई है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई है, तो ये बेसिक फॉर्मूला किसका बन सकता है, वर्क का बन सकता है कि नहीं है। डिस्टेंस बोल देते टॉर्क का बन सकता है, बन सकता है। दूसरा लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, क्या लिखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम हो गया, वर्क अपॉन टाइम हम बोल सकते हैं क्या पावर बोल सकते हैं। तीसरा अगर बात करते हैं लिखा हो एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू हम क्या ऐसे लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, लेंथ को गायब करना है तो लेंथ नीचे लिख दो, ये हो गया तुम्हारा फोर्स और ये तुम्हारा हो गया लेंथ, है कि नहीं। फोर्स पर यूनिट लेंथ आप बोल सकते हो क्या है सरफेस टेंशन बोल सकते हो, अभी लिखा फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन बोल सकते हो, ठीक। और चौथा अगर हम बात करते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिक बदल लिया करो फोर्स उसके टर्म में, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, तभी तो एल माइनस वन ऊपर जाएगा और टी माइनस वन, क्योंकि आपको यहां पे एक टी गायब करना, ऐसा लिख सकते हो। ये हो गया फोर्स, एल स्क्वायर एरिया होता है, और हम इसको बात करते हैं टी इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको चाहे तो फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट एक ऐसा शब्द, ग्रेडियंट मतलब होता है बच्चों कोई भी चीज लेंथ के साथ वेरी करे, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ये कह सकते हो कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है और एल होता है एल से एल कट गया तो टी माइनस वन ही बनाना, तो टी माइनस वन को चाहे तो आप फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हो चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दो, है कि नहीं, तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक। तो फोर्स अपॉन एरिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है आपका विस्कोसिटी होता है, अभी आप लोगों को मैंने इस विस्कोसिटी का देखिए आपको निकलवाया भी, मैं दिखा देता हूं ये है कि नहीं है। तो देखिए क्या है एम एल माइनस वन टी माइनस है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये क्या है विस्कोसिटी है कि नहीं, या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो इसको हम बोल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं ML-1 T-2, तो हम इसको लिख सकते हैं ML T-2 / L² बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, या स्ट्रेस भी बोल सकते हो। चाहे तो आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस भी बोल सकते हो। समझ में आया इतना? ठीक बच्चों, अच्छे से डायमेंशन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? एक और क्वेश्चन लेते हैं, एसएल का मैं लेता हूं, एसएल अरोरा बुक का, देख लो कितना कठिन है अपनी एसएल। ठीक, क्वेश्चन लिखा है डिड्यूस्ड, देखो पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो यार बढ़िया से। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बोला हीट, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी होती है ML² T-2, एनर्जी तो होती है हीट। दूसरा स्पेसिफिक हीट, अभी हम लोग निकाल चुके हैं Q/m∆T, बोलो निकालते हैं कि नहीं। Q कितना होगा, ML² T-2, ये मास हो गया, और टेम्परेचर को बच्चों K से दिखा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट, L² T-2 K-1। ठीक, लैटेंट हीट कितना, M × L होता है, सॉरी फॉर्मूला Q = M × L होता है, तो L लैटेंट हीट होता है, तो L का जो फॉर्मूला बनेगा वो Q/m बनेगा। तो Q कितना है, ML² T-2, और नीचे m है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, L² T-2। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, जैसे हमसे बोल दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट R, इसका भी डायमेंशन अभी हम निकाल चुके हैं, PV/NT निकाल चुके हैं कि नहीं। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, जैसे कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो बच्चों इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कोफिशियंट ये आपके लिए नया है, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अभी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बच्चों, जब ये आप हीट का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब आपको वहां पे दिखाई देगा कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है Q = K(a θ1 - θ2) मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइडेड बाई लेंथ। ये जो के होता है ना, यही होता है आपका क्या, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए फॉर्मूला अगर पता हो ना, निकालना आसान है, ये फॉर्मूला आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे लॉ ऑफ कंडक्शन में, तो K = Q * L डिवाइडेड बाई एरिया θ1 - θ2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो क्यू का डायमेंशन कितना हो गया, ML² T-2, लेंथ का कितना हो गया L, एरिया तुम्हारा हो गया L², टेम्परेचर का होगा K, और टाइम का होगा T। L² से L² कैंसिल। ठीक, अब क्या लिखोगे, ML T-2, एक देखिए T-2 ऊपर जाएगा तो -3 बनेगा, और K इनवर्स बनेगा। देख लीजिए आ गया, कितना कुछ था नहीं, बस हमें फॉर्मूला अगर पता तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कमेंट अच्छे अच्छे किया कीजिए। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कमेंट में पोस्ट किया कीजिए, मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी उठा किया कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।